हाय फ्रेंड्स, आप सब जानते होंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज चल रही है। इससे पहले भारत ने ODI सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 से हरा दिया था और उसके बाद T20 में अब तक भारत और न्यूजीलैंड एक एक की बराबरी पर चल रहा है और आज उनका भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा मैच हुआ जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 6 रनों से हरा दिया है। दरअसल बारिश के कारण ये मैच बहुत देरी से शुरू हुआ। फिर टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें भारत ने 8 ओवर में सिर्फ 67 ही रन बना पाए और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड ये रन आसानी से बना लेगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 8 ओवर में सिर्फ 61 ही रन बनाने दिए। अब बात करते हैं इस मैच के कुछ रिकॉर्ड के। दरअसल ये मैच तिरुवनंतपुरम में 29 साल बाद खेला हुआ पहला मैच है। दूसरा रिकॉर्ड, दरअसल इस सीरीज में भारत ने पहली बार न्यूजीलैंड की टीम को हराया है। इस सीरीज से पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचेस हुए थे जिसमें भारत एक भी मैच नहीं जीत पाया था। तीसरा रिकॉर्ड है, भारत ने न्यूजीलैंड को पहली बार T20 सीरीज में हराया है। अब बात करते इस सीरीज में किस किस को क्या क्या अवार्ड मिले। दरअसल इस सीरीज के जन बैंकेबल प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड यजुवेंद्र चहल को मिला। और अब बात करते हैं मैन ऑफ द मैच की। इस मैच को मैन ऑफ द मैच रहे जसप्रीत बुमराह। इस सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज भी रहे जसप्रीत बुमराह और इस सीरीज के जन बैंकेबल प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे ईश सोधी। आप सबको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।